मैम थोड़ा फीलिंग के साथ, इमोशंस मिसिंग है। पता नहीं इस मॉडल को कहां से पकड़ कर लाए, मैनिक्विन भी इससे ज्यादा एक्सप्रेसिव होती है। अरमान सर को पता चला कि हम ऐसी स्टोरी कवर कर रहे हैं, बैंड बजा देंगे हम सबकी। अब क्या करें, रिद्धिमा भटनागर की स्टोरी तो अब छपने से रही और अरमान सर खुद गए थे वहां पे उनको कन्विंस करने के लिए, बट फेल हो गए। अब तो बस ऐसे बकवासी स्टोरीज को ही हमें कवर करना पड़ेगा। अब एक्सक्यूज मी, जीत स्टूडियो यही है? रिद्धिमा भटनागर। हेलो मैम, आप बिल्कुल सही जगह पर आई। एक्चुअली मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, बस 3-4 घंटे है मेरे पास, उससे ज्यादा मैं नहीं रुक पाऊंगी। नो प्रॉब्लम मैम, हो जाएगा। श्योर मैम, जल्दी जल्दी सेटअप रेडी करो, कम ऑन गाइस, क्विक। यस सर, रिद्धिमा भटनागर आइए इंटरव्यू के लिए। बहुत हिम्मत वाली लड़की है रिद्धिमा। सर आप तो कमाल है, आपने उन्हें कन्विंस कैसे किया? मैंने नहीं, मेरी ईमानदारी ने। एनीवे तुम उन्हें बिठाओ, मैं भी आता हूँ। ओके सर। क्या हुआ मैम, रो क्यों रही है? मेकअप होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? सॉरी सर। मैम आप ठीक है? आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरी आईज में इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए पानी पैर। सर अब बस 5 मिनट दीजिए। जल्दी। किसका फोन था? सेक्रेटरी का। रिद्धिमा भटनागर ऑफिस पहुंच गई इंटरव्यू के लिए। वो इंटरव्यू के लिए रेडी थी तभी तो उसका केस लेकर मेरे पास आया था। एक्चुअली उसने इंटरव्यू के लिए मना कर दिया, फिर भी तू उसका केस मेरे पास डिस्कस करने आया था। एक बात बता यार, तू इतना दिलदार कब से हो गया? दिल का तो पता नहीं लेकिन कुछ तो है। एनीवे मुद्दे पे आते, तू ये केस लेगा कि नहीं? अरे यार एक दोस्त ने रिक्वेस्ट करी है, मना कैसे कर सकता हूँ मैं? मैं रिद्धिमा को ना क्लीन चिट दिला के रहूंगा, लेकिन एक बात है, मुझे इस केस में ना पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी चाहिए। एब्सोल्युटली, लेकिन रणविजय का क्या करेंगे? मालूम है अगर रणविजय हमारे हाथ लग जाए ना तो ये केस एकदम से साफ हो सकता है पानी की तरह। पकड़ा जाएगा, जब भूख और प्यास लगती है तो सांप को अपने बिल से बाहर आना ही पड़ता है। और अगर नहीं निकलेगा ना, हम उसे मजबूर कर देंगे, है ना? एब्सोल्युटली। वैसे तुझे इस केस में इंटरेस्ट है या रिद्धिमा में? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे रिद्धिमा में इंटरेस्ट है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ यार, क्योंकि मेरे दोस्त को ना लड़कियों से एलर्जी थी कल तक, पर आज वो उस लड़की की हेल्प के लिए इतना उतावला जो हो रहा है। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, एक बेबस लड़की है जिसको मदद चाहिए और मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। तुझे अगर इसमें कोई और इंटरेस्ट निकालना है तो मैं कोई और लॉयर ले लेता हूँ। अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ यार, इतना टची क्यों हो रहा है तू? ऐसी बातों में मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। एनीवे मैं अब स्टूडियो जा रहा हूँ, रिद्धिमा मेरा वेट करे। हैव अ गुड डे। ये क्या? क्रू ने बताया कि तुम्हें आंखों में इंफेक्शन हो रहा है, इससे तुम्हारी आंखों में पानी नहीं आएगा। गाइस थैंक यू, तुम्हें कहीं मेकअप से एलर्जी तो नहीं है? नहीं, और ना ही मेरी आंखों में इंफेक्शन है, और अगर होता तब भी तुम्हें किसने कहा था आई ड्रॉप्स लाने? कर्टेसी ने, आप हमारी गेस्ट हैं, आपकी खातिरदारी करना हमारा फर्ज है। तो किसी और गेस्ट को जाकर आई ड्रॉप्स दो, मुझे कोई एलर्जी नहीं। मुस्कुराने की एलर्जी, और आपकी आंखों में जो आंसू हैं वो साफ बता रहे हैं कि ये दर्द, इससे आप डील नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा है भी तो वो मेरी प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम भी है, मेरा पेशा है लोगों को मुस्कुराते हुए दिखाना, ना कि रोते हुए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे पेशे में, इंटरव्यू लेना है तो जल्दी से लो वरना मैं जा रही हूँ। श्योर मैम, बट टेल मी समथिंग,
जब तक आप मुस्कुराएंगे नहीं, फोटोशूट कैसे होगा? ये आपकी जीत की कहानी, हार की नहीं। मुझे लगता है कि मैं मुस्कुराऊंगी। मैंने अभी अभी अपने प्यार को खोया। मैं कोई एक्टर नहीं हूं कि अपने रियल इमोशंस को छुपाकर हंसने की एक्टिंग करूं। सही कहा, मुझे भी नहीं आती थी। जब मैंने अपने प्यार को खोया था। छोड़कर चली गई थी। दुनिया से दूर। गुनगुन, ये दुख सिर्फ आपका और मेरा नहीं है। इस दुनिया में हर इंसान ने किसी ना किसी को, जिसे वो बहुत प्यार करता है, उसे खोया है। लेकिन मैं इस मामले में कुछ ज्यादा ही बदकिस्मत हूं। मैंने अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा है। और मैं कुछ नहीं कर पाया। शादी से जस्ट पहले 7 जन्मों तक साथ निभाना तो बहुत दूर की बात है। हम तो एक दूसरे को वादा भी नहीं कर पाए। वो तो चली गई, लेकिन मुझे हर रोज मुस्कुराना पड़ता है। अगर कहूं तो खुश होने की एक्टिंग करनी पड़ती है। आसान है दर्द को छुपाकर मुस्कुराना। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इसी का नाम तो जिंदगी है। जो है उसे छुपाना पड़ता है, और जो नहीं है उसे हम दिखा देते। उसके जाने के बाद मैंने अपने आप को काम में बेहद बिजी कर लिया। फिर ये मजबूरी मेरी आदत बन गई, और ये आदत मेरी जीत। ये सिर्फ नाम की जीत है, असल में तुम हार गए। तुमने उसे भुला दिया जिसे तुम प्यार करती थी। ये हमेशा मेरे दिल के करीब रहती है। मैं इसे कभी नहीं भुला पाया, और ना ही कभी भुला पाऊंगा। हाँ, लेकिन इसके जाने की याद को बुलाने की कोशिश जरूर की, और इस कोशिश में वो अरमान कहीं खो गया जो हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ रहता था। अब तो लोग मेरे करीब आने से भी डरते। कभी कभी मुझे भी एलर्जी हो जाती है, बट क्या करें, चलने का नाम ही तो जिंदगी है। अब हम तो दोस्त भी नहीं है, फिर भी इतनी पर्सनल बात मेरे साथ शेयर की। पता नहीं, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई है जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकता हूं, जो शायद मेरा दर्द समझेगा। और हो सकता है मेरी कहानी आपको आपके दर्द से डील करने की हिम्मत देते। जिस लड़की ने सबको इंस्पायर किया, हो सकता है मेरी कहानी उसे इंस्पायर करते मुस्कुराने के लिए। एनीवे, तो क्या आप वो करना चाहती हैं जो मैंने किया था? क्या काम? आप चाहें तो जीत नेटवर्क ज्वाइन कर सकती हैं। लिसन, अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप आराम से सोच लीजिए, शाम तक बता दीजिएगा। और अगर आप चाहें
आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। कल मैं अनुभव के लिए पूजा करवा रही हूँ। नो प्रॉब्लम, परसों से ज्वाइन कर लीजिए। एंड आई प्रॉमिस यू, यहाँ आपकी एलर्जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।